बिहार की बात करेंगे, जहां के बक्सर में दिन दहाड़े हुए खौफनाक वारदात से सनसनी फैल गई है। अपने ही बच्चे के साथ बैंक जा रही एक महिला के साथ अपराधियों ने गैंगरेप किया, फिर मां बेटे को नदी में फेंक दिया, जिसमें बच्चे की जान चली गई। घटना बक्सर की है, जहां पर 5 साल के बच्चे की मौत है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन बेटे के साथ बैंक के महिला जा रही थी और इस बीच उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद नदी में मां बेटे को फेंक दिया गया। बिहार में सत्ता की जंग के लिए बजती डुगडुगी के शोर में एक मां और 5 साल के मासूम की चीखें गुम हो गईं। चुनाव की तैयारियों और नेताओं की सुरक्षा में जुटी नीतीश की पुलिस न एक महिला के साथ दिन दहाड़े हुई हैवानियत रोक पाई, न उसके बच्चे की जान बचा पाई। दिल दहलाने वाली ये वारदात बक्सर की है, जहां नीतीश राज में बेखौफ दरिंदों ने एक परिवार को बेरहमी से उजाड़ डाला। चश्मदीदों के मुताबिक यह महिला और उसका बच्चा गंगा में गोते खाते मिले। महिला की चीखें सुनकर लोग पहुंचे तो पता चला कि बच्चे और महिला दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। महिला तो बदहवास हालत में बाहर निकाल ली गई, लेकिन मासूम तब तक दम तोड़ चुका था। सुबह 4:15 के आसपास एक महिला और एक बच्चे को लाया गया यहाँ ओझाबड़ा गांव से। तो बच्चा मृत था और महिला की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उसका इलाज किया गया, उसको बार बार फीट आ रहा था, तो उसको बक्सर के लिए रेफर कर दिया गया। महिला ने जो दास्तान सुनाई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। बच्चे के साथ ये महिला बैंक जा रही थी, रास्ते में कुछ लोगों ने दोनों को अगवा कर लिया, महिला के साथ गैंगरेप किया गया। अपराधियों ने महिला और बच्चों के हाथ पैर बांधे और दोनों को नदी में फेंक दिया। बुझे कि आयल बिया तो बीच रास्ता में मैंने गुंडा चाहे जो भी धल लिहल करा के एक मोबाइल हाथ से छीन लेला, बड़ा सा पैसा ले लिहल सा। कल 11 बजे के धैले बड़ा सा 3 बजे भोर में ये हमारा द्वार के सामने हरा बा एगो तालाब, ओकरा में लैका के बांध के करा लुगा से आएगा के पानी में डाल दे। जब ये दरिंदगी अंजाम दी जा रही थी तब पुलिस कहाँ थी? अपराधियों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं था? दिन दहाड़े अगवा करने, गैंगरेप करने और फिर बांधकर नदी में फेंक देने की खबर वक्त रहते पुलिस तक क्यों नहीं पहुंची? इन सब सवालों के लिए बिहार पुलिस के पास सिर्फ एक जवाब है, जांच चल रही है। 164 का बयान कराया जाएगा, FIR दर्ज कर ली गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, दो नामजद में एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बच्चे की हत्या भी हुई है, उस संबंध में पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। हत्या कारण, मरने का कारण क्या है, पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। पीड़िता और उसका परिवार बेहाल है, गांव मोहल्ले हर जगह मातम पसरा है, लेकिन सड़कों पर दौड़ते चुनावी रथ और नीतीश के निश्चय पत्र गला फाड़ कर ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में बहार ही बहार है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता सुजीत झा इस वक्त जुड़ गए हैं। सुजीत, आरोपियों तक पुलिस के हाथ पहुंचे हैं नहीं? देखिए नेहा, ये जिस तरह की घटना हुई है और जिस बेखौफ तरीके से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, सही में एक सवाल खड़ा होता है, खासतौर पर जो पुलिस व्यवस्था है। बिहार में चुनाव है और चुनाव आयोग के नियंत्रण में सारा कुछ चल रहा है। यहाँ पर काफी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं जगह जगह, पूरे बिहार में कई बटालियन पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाती है, लोगों में काफी आक्रोश है इसको लेकर। और पुलिस अभी एक आरोपी को जो मीना राम है उसको गिरफ्तार कर पाई है, बाकी भोला यादव नाम का जो नामजद अपराधी है वो अभी भी फरार है। लिखा हुआ है क्या? महिला का कहना है कि 5-6 लोग और थे, वो लोग कौन थे उसके बारे में अभी पुलिस कुछ जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई है। तो ये तमाम जिस तरह की घटना हुई है उससे लेकर लोगों में आक्रोश है और चुनाव का समय है ये,
तो निश्चित रूप से इसको पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।